गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स हाउ आर यू बेटा फाइन ओके लेट्स स्टार्ट स्टडी टुडे विल स्टडी चैप्टर नंबर फिफ्टीन एंड द चैप्टर नेम इज़ सेफ्टी हैबिट्स डब्ल्यू ई वी वी मीन होता है हम एम यूस्ट मस्ट मस्ट मिस चाहिए एन नॉट नॉट नोट नहीं टी ओ यू सी एच टच टच मतलब छूना ई एल ई सी टी आर आई सी इलेक्ट्रिक डब्ल्यू आई आर ई एस वायर्स ई एल ई सी टी आर आई सी इलेक्ट्रिक पी एल यू जी एस प्लग्स, एच ओ टी होट होट मतलब गर्ल आई आर ओ एन आयरन्स आय मतलब जो हम प्रेस करते हैं ना वो एंड एंड ई एल ई सी टी आर आई सी इलेक्ट्रिक एच ई ए टी आर एस हीटर्स देखो वी मस्ट हमें चाहिए यहाँ लिखा नोट तो हम वी मस्ट नॉट हमें नहीं चाहिए टच टच मतलब छूना इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स कैसे जो लाइट के वायर्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक प्लग्स प्लग्स मतलब जहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड लगा होता है ना वो वाला हमें हम फैन ऑन करते हैं तो कैसे प्लग होते हैं वहाँ पे उन प्लग को नीचे हाथ लगाना है टच नहीं करना हॉट आयरन हम जो प्रेस करते हैं ना तो गर्म गर्म उसको टच नहीं करना है इलेक्ट्रिक हीटर अगर हमारे घर में पानी गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए हीटर है इलेक्ट्रिक तो उसको भी टच नहीं करना है ना दे कैन गिव अस इलेक्ट्रिक शॉक उस समय क्या लग सकता है इलेक्ट्रिक शॉक झटका लग सकता है और हमारी भाषा में कहे तो करंट लग सकता है ना इसलिए ध्यान रखना है बेटा टच नहीं करना है ना डब्ल्यू वी वीमिन होता है हम एम यू एस टी मस्ट आई नोटी नॉट वी मस्ट नॉट हमें नहीं करना चाहिए क्या एल ई ए वी लीव ओ यू आर अवर टी ओ आस टॉयस अवर लिव आवर टॉयस हमारे खिलौनों को नहीं छोड़ना चाहिए कहाँ पर ऑन द फ्लोर एफ एल डबल ओ आर फ्लोर मतलब ग्राउंड है ना जिस किसा फ्लोर जो हमारा फर्श होता है ना जहाँ हम खेलते हैं घर में रूम में वहाँ पर हम, हम क्या करते हैं कि हमारे खिलौने सारे बिखरा देते हैं यहाँ वहाँ पर है ना तो हमें नहीं बिखराना है आ, वी सॉरी एम ए वाई में, भाई में एफ ए डब्ल्यू एल फेल ओवर दम हम खुद उन पर गिर सकते हैं देखो ये बच्चा है ना बीच में खिलौना रखा था ये आया और उसका पैर रखा गया तो गिर गया जैसे हम खुद गिर सकते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे दादाजी दादी जी कोई भी गिर सकते हैं ना तो हमारे खिलौने को हमें बिखरा कर नहीं रखना है अगर हमें खेलना है तो हम निकालेंगे थोड़ी देर बाद वापस उन्हें रख देंगे उनकी प्रॉपर प्लेस पर डब्ल्यू वी एम यू एस टी मस्ट एन ऑटी नॉट वी मस्ट नॉट आर यू एन रन रन मिस दौड़ना हमें नहीं दौड़ना चाहिए डी ओ डब्ल्यू एन डाउन द स्टेयर्स दे देखो इस्टेयर्स मतलब होता है सीढ़िया ये है ना इसको बोलते हैं स्टेयर्स अब डाउन क्या नीचे देखो हम नीचे उतर रहे हैं दौड़ते दौड़ते उतर रहे हैं है ना तो हमें दौड़ते हुए इन सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना है वी मे फेल डाउन हम गिर भी सकते हैं है ना हम फटाफट उतरेंगे सीढ़ियाँ दौड़ते हुए तो हम गिर सकते हैं हम स्कूल में भी हमें दौड़ते हुए सीढ़ियों को उतरना है ना और स्कूल में भी हमें रन नहीं करना है यहाँ हमें भागना नहीं है अब देखो यहाँ पर ही एफ आई आर एस दी फर्स्ट एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड मतलब क्या होता है बेटा जब हमें लग जाती है कहीं भी या हम स्कूल में या घर में तो सबसे पहले हमारा जो उपचार होता ना, है ना प्राथमिक उपचार है सबसे पहले हमारा जो इलाज होता है जैसे कि हमें थोड़ी सी लग गई तो हमें बैंडेज लगा दी रुई लगा दी ब्लड हो निकल रहा है तो थोड़ी सी पट्टी कर दी या हमें कोई सा क्रीम लगा दिया या हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हम गिर गए हैं तो कोई स्प्रे कर दिया मुँह लगा दिया या अगर हमें बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो हमें गोली दे दी उसके बाद हमें डॉक्टर के पास ले गए है ना तो सबसे पहले जो हमारा इलाज हुआ वो हमारा फर्स्ट एड होता है जिसे हम स्कूल में हैं और स्कूल में आपको लग जाती है अब गिर जाते हैं है ना तो आप मैम आपको थोड़ी सी पट्टी वगैरह कर देते हैं ताकि ब्लड आपका निकले नहीं और फिर आपको डॉक्टर के पास ले आते हैं तो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट किसने किया आपकी मैम ने किया है ना तो फर्स्ट एड होता है जैसे कि किसी को फीवर है तो बच्चे आते हैं ना मैम उसको बुखार आ रहा है तो मैम कहते हैं ठीक है फिर आपको ऑफिस में ले जाते हैं आपको गोली दे देते हैं ना तो उधर लिटा देते हैं उसके बाद आप ठीक नहीं होते तो आपको घर भेज देते हैं फिर आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास ले आते हैं लेकिन आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया ना थोड़ा बहुत जिससे आप ठीक हो सको तो उसको कहते हैं फर्स्ट एड समझ में आया बेटा फर्स्ट एड डब्ल्यू एच ई एन वैन यू गेट हर्ट जब आपको चोट लग जाती है ना टेल एंड एल्डर्स पर्सन देखो टेल मतलब होता बोलना एल्डरली uh, मतलब जो बड़े होते ना बड़े लोग जो हमारे भैया दीदी स्कूल में हो तो टीचर हुए है ना और हमारे घर पे हुए तो हमारे कोई भी बड़े भाई बहन हुए या कोई भी uh, या फिर योर टीचर्स एट स्कूल स्कूल में अपने टीचर को बोलो और पेरेंट्स एट होम घर पे अपने मम पापा को बोलो विल गिव यू फर्स्ट एड वो हमें सबसे पहले क्या देंगे फर्स्ट एड देंगे है ना ए एल डब्ल्यू ए वाईज ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स सेफ्टी मतलब सुरक्षा है ना आर यू एल इज रूल्स ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप इंजर्स एंड पेंस अवे देखो uh, किसी घटना से बचने के लिए किसी दुर्घटना से बचने के लिए कोई इंजरी हो जाए आपके साथ कोई दर्द हो कोई तकलीफ हो उससे बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए कौन कौन सेफ्टी रूल्स होते हैं अभी हमने देखे ना हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमने देखा हमने क्या देखा बेटा हमने ये देखा कि हमें सीढ़ियों से दौड़ते हुए नहीं उतरना है है ना हमें इलेक्ट्रिक हीटर्स या इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक प्लस को भी टच नहीं करना है और हमने ये भी देखा कि हमारे खिलौने को हमें ज़मीन पर वहीं बिखराना है यदि हम बस में बैठे हैं तो हमें लाइन सॉरी हम हम अगर बस में जा रहे हैं ना स्कूल जाने के लिए तो हम बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हमें लाइन बनाकर खड़े रहना है बस में से हमें हाथ अपना बाहर नहीं निकालना है ना और चलती बस में भी हमें उछल कूद नहीं करना है ड्राइवर को भी परेशान नहीं करना है ठीक है और अगर हम स्कूल में है ना तो हमें जंप नहीं करना है बेंच पे यहाँ वहाँ हम कुछ बच्चे होते हैं ना जंप करते रहते हैं एक बेंच से दूसरी बेंच पर वो भी नहीं करना है हमें पुश भी नहीं करना है एक दूसरे को है ना मस्ती मजाक में हम धक्का देते हैं ना वो भी नहीं खेलना वो भी ऐसे नहीं करना है हमें रफ़ गेम रफ़ गेम कैसे किसी को लात मारना है ऐसा तो ऐसे गेम भी नहीं खेलना है और हमें घर पर भी शार्प ऑब्जेक्ट जिस तिखे दिखे जो होते हैं ना हमारे घर में जैसे कि ब्लेड हो गई है नाइफ़ हो गया है सीजर हो गया है ना इन या फिर नेल क्रिपर यानी कि नेल कटर होता है सीजर यानी कैची होती है नाइफ मतलब चाकू या ब्लेड्स इनसे नहीं खेलना है ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं ना तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे है ना तो बेटा हमें सारी बातों को ध्यान रखना है हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि रोड हमें कहाँ क्रॉस करना है झेबरा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना है ना और जब लाइट ग्रीन हो तभी हमें जाना है हमने देखा था कि रेड लाइट का मतलब होता है गो सॉरी रेड लाइट का मीन्स होता है स्टॉप ग्रीन लाइट होता है गो और येलो लाइट क्या कहती है वेट है ना इंतजार करो थोड़ा ठहरो या रुक जाओ अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज है ना डब्ल्यू वी वी मीस होता है हम मस्ट मिस चाहिए क्रॉस द रोड देखो आप यहाँ खड़े हो और आपको कहा जाना है इधर जाना है ना तो इसको कहते हैं रोड क्रॉस करना है ना ओ एन एन वाई ओनली डब्ल्यू एच एन वैन द पेजस्ट ट्रेन ट्राफिक लाइट देखो आप कब रोड क्रॉस करोगे जब लाइट क्या होगी या तो रेड बता दी गलत है बेटा जब लाइट क्या होनी चाहिए ग्रीन होना चाहिए है ना ये नहीं आएगा जब लाइट ग्रीन हो ना तभी हमें जाना चाहिए क्योंकि हमने क्या देखा था कि अगर लाइट ग्रीन होगी तो ही हम जाएंगे हम पहले राइट देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे फिर राइट देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे है न फिर अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो तो ही हम रोड क्रॉस करेंगे हमने भी देखा था ना कि मी वस्ट वॉक ऑन द राइट साइड द रोड रोड के कहाँ चलना है राइट साइड चलना है ना और हमें लाइट का भी ध्यान रखना है कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो ही हम हाँ? जाएंगे तो तो ग्रीन लाइट होगी ना उधर जाना है तभी जाना है ठीक है फिर है डब्ल्यू एच आई एल वाइल टी आर ए वी एल एन जी ट्रैवलिंग इन अ बस जब हम बस में यात्रा कर रहे हैं तो वी मस्ट कीप अवर हमें क्या करना चाहिए क्वाइट यानी चुप बैठना चाहिए मूविंग इधर उधर तो जाना चाहिए शाउटिंग या चिल्लाना चाहिए हमें चुपचाप बैठना चाहिए क्वाइट है ना फिर नेक्स्ट है डब्ल्यू वी एस एचल शूट एन ओ टी नॉट प्ले वी शुड नॉट प्ले हमें कैसे नहीं करना किन से नहीं खेलना चाहिए कैसे गेम फेयर या रफ़ या इंडोर इंडोर मतलब घर के अंदर वाले घर के अंदर तो गेम खेलना चाहिए फेयर मतलब सही गेम या रफ़ हमें रफ गेम नहीं खेलना चाहिए ना फिर है डब्ल्यू वी एम यू एस टी मस्ट एन ओ टी नॉट टी ओ टी ओ यू से टच वी मस्ट नॉट टच हमें किसको टच नहीं करना है हॉट आयरन को है ना हॉट आयरन मतलब जो गर्म पेस होती है ना उन्हें टच नहीं करना है वाई ओ यू यू मतलब होता है तुम एस डबल सी वाई ओ यू यूर एफ आर आइन डिस फ्रेंड्स पी एन जी प्लेइंग ऑन द रोड यू नो इट इज डेंजर देखो यू सी योर फ्रेंड प्लेइंग इन द रोड अगर आप देख रहे हो कि आपके दोस्त तो कहाँ खेल रहे हैं रोड पे खेल रहे हैं आपको पता है की डेंजर है तो आप क्या करोगे आप टेल देट इज डेंजर आप अपने दोस्तों को कहोगे कि ये क्या है खतरनाक है ऐसे गेम नहीं